हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, हम आज आपको लेखपाल परीक्षा भर्ती 2023 से कुछ महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ी बात बोली है। जी हाँ, आयोग को देना होगा छात्रों का OMR सीट। हाँ जी हाँ दोस्तों, छात्रों का अब OMR सीट मिल सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयोग की ये फटकार लगाई है। क्या है सभी मामला, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को डिटेल से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा की OMR सीट देने पर निर्णय ले आयोग, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल भर्ती परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थी को OMR सीट जो है कि मांग वाले प्रत्यावेदन पर 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 महीने में आयोग को 2 महीने का समय दिया गया है और जिसमें वो निर्णय लेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने याची बिहू प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने OBC अभ्यर्थी के रूप में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन किया था। OMR सीट पर हुई परीक्षा का प्राप्तांक आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया। स्वमूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थी का दावा है कि उसने 82 अंक अर्जित किया है, जबकि OBC श्रेणी की कटाव 75.75 घोषित की गई है, फिर भी अभ्यर्थी को चयनित घोषित नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेखपाल पद पर चयन न होने पर यह याचिका दायर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसने क्षुब्ध अभ्यर्थी ने प्रत्यावेदन और सूचना के आधार पर अधिनियम के तहत आयोग से अपनी OMR सीट की मांग की है। आयोग द्वारा अब तक न तो प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया और न ही सूचना के अधिकार के तहत OMR सीट उपलब्ध कराई गई। इसके खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिसे निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को याची की OMR सीट उपलब्ध करवाने की मांग वाले प्रत्यावेदन पर 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपको अपना OMR सीट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना अंक चेक कर सकते हैं, आपका अंक कितना बन रहा था और कट ऑफ से मिला सकते हैं आप कितना पीछे और कितना आगे हैं। तो आप DV के लिए भी अपना अनुमान लगा सकते हैं अगर आपको OMR सीट मिल जाती है। तो फिलहाल ऐसे अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार ऐसी सूचनाएँ देते रहेंगे और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।